नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। प्रॉपर्टी एजेंट का अपहरण कर 12 लाख लूटे। आकाश बिगड़े, यह प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस चलाते हैं। उन्हें अपनी 4 स्कॉर्पियो गाड़ी बेचनी थी, जहां उन्होंने ओएलएक्स साइट पर उसकी एड डाली थी। एड को देखकर एक अपहरणकर्ता ने आकाश के साथ बातचीत की। वह गाड़ी देखने के लिए आया, गाड़ी चलाकर देखी। उसके बाद उसने दूसरे दिन पैसे लेकर आता हूँ ऐसा बोलकर दूसरे दिन आंधड़ी फाटा यहाँ बुलाकर 16 मई को शाम 7 बजे अपहरणकर्ता ने उसकी गाड़ी चलाने के बहाने उसकी गाड़ी में बैठकर थोड़े सामने जाते ही आकाश के हाथ वायर से बांधे और BMW गाड़ी में बिठाकर 90,000 रुपए ATM से जबरदस्ती निकालने के बाद उसे और BMW गाड़ी में बिठाकर 90,000 रुपए ATM से जबरदस्ती निकालने के बाद उन्हें पनवेल यहां एक रूम में बंदी बनाया गया और वहां से धमका कर आकाश के रिश्तेदार प्राची इन्हें फोन करके खाते में और पैसे डालने को कहा। प्राची इन्होंने 5 लाख रुपए आकाश के अकाउंट में डाले, जिसके बाद आकाश को वह रुपए अपहरणकर्ता के खाते में ट्रांसफर कराने लगाए। उसके बाद 17 मई को उन्हें मुंबई यहाँ छोड़कर उनकी गाड़ी स्कॉर्पियो, उसके पास के जेवर, कैश मिलाकर 12 लाख से भी ऊपर अपहरणकर्ताओं ने उसके पास से पैसे लिए। उसके बाद आकाश ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी। फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। प्रेमी ने किया प्रेमिका पर एसिड हमला। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर यहाँ एक प्रेमी नसीम उल्ला अपने 45 साल की प्रेमिका को यौन शोषण की मांग की। तभी प्रेमिका के ना कहने पर नसीम उल्ला नामक युवक प्रेमी ने उस पर एसिड फेंक दिया, जिसके चलते उस महिला का आधा शरीर पूरी तरह से जल गया और प्रेमी वहाँ से भाग निकला। प्रेमिका के चिल्लाने पर पड़ोसी ने उसे अस्पताल में भर्ती किया, जहाँ पता चला कि नसीम उल्ला ने उसके साथ पिछले 5 सालों से संबंध बनाए रखे थे। जहां शुक्रवार को नसीम उल्ला ने यौन शोषण की मांग की तो उसके बाद दोनों में हाथापाई भी हुई थी, जहां फिलहाल पुलिस आगे की जानकारी में जुटी है। ऑफिस के लेडीज चेंजिंग रूम में मोबाइल के द्वारा शूटिंग। मुंबई में एक कंपनी के ऑफिस में हाउसकीपिंग का काम करने वाले युवक को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया है। गणेश नदागे इस नामक युवक ने मरोड एरिया के प्राइवेट कंपनी की लेडीज चेंजिंग रूम में मोबाइल कैमरा रखकर महिलाओं के कपड़े बदलते समय शूटिंग करता था, जिसके चलते एक कर्मचारी महिला चेंजिंग रूम में गई, तब उसे वहां मोबाइल नजर आया। उसे लगा कि कोई भूल गया होगा। उसने जब मोबाइल उठाया तो वहां मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा शुरू था। तो उसने मोबाइल के गैलरी में जाकर देखा तो ऑफिस के महिला के कर्मचारियों के कपड़े बदलने के वीडियो दिखाई दिए। उस महिला ने ऑफिस के मैनेजर को यह बात बताई और ऑफिस के मैनेजर ने यह मामला पुलिस को सौंप दिया, जहां इस घटना को अंजाम दिए जाने वाले युवक को गिरफ्तार किया गया है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।